नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। कोरोना संकट के बीच मुंबई ठाणे में नाला सफाई हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है। खासकर बारिश के समय नाले की सफाई ना होने के कारण कई नालों से यानी पानी बारिश के समय सड़कों पर बहने लगते हैं। नाले ठीक से साफ ना होने पर और समय रहते ही सफाई ना होने पर प्रशासन और ठेकेदारों पर सवाल उठने लगते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी ठाणे मनपा ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। आज मुमरा कौसा में डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी, महेश अहेर और धनंजय गोसावी व टीएमसी के कई अधिकारी, मुमरा प्रभाग समिति के अध्यक्ष अश्विन राउत, नगर सेवक सानू पठान, नगर सेवक जफर नोमानी, राजू अंसारी, इन लोगों ने मुमरा शहर के सभी छोटे बड़े नालों की साफ सफाई को लेकर दौरा किया। पहले हम आपको सुनाते हैं, इस दौरान नगर सेवकों ने मनीष जोशी को क्या कहा, क्या जानकारी दी है। सभी नगर सेवक आपका धन्यवाद मानते हैं कि कोविड-19 का इतना बड़ा ये प्रसंग चलते हुए आप लोग जो आपकी टीम पूरी काम कर रही है हमारे महानगर पालिका की, इसके लिए हम सभी नगर सेवक आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गोसावी साहब है, आप है, महेश अहेर साहब है, साबले साहब है और आपकी जितनी भी टीम है टोटल अच्छे से बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि हर कोई अपनी जान हथेली पे लेके कर रहा है। उस दौरान में ये नाले सफाई का जो आप लोग काम कर रहे हो ये और भी उस पर सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि बारिश अनकरीब आने ही वाली है। बारिश से पहले पहले हमारे जो है टोटल जो है 39 नाले हैं, 39 नालों में से 30 नालों का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पर दौरा करने आए हैं, हमारे गोसावी साहब है, मैं और मनीष जोशी साहब है हमारे साथ में, महेश अहेर साहब भी है शायद किधर कभी, और ये तो और सारे एसआई, हाँ सारे एसआई जो है हमारे साथ में है। इस हम लोगों ने सर्वे में देखा है कि 39 नालों में से 30 नाला सफाई का काम जो है वो शुरू हो गया है, 9 नाला सफाई का काम जो है वो बाकी है, और जो कलवट जो है 54 कलवट है, टोटल 54 कलवट में से 34 कलवट का जो है काम शुरू हो गए हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, देखो नाला सफाई जो शुरू हो रही है, कॉन्ट्रेक्टर भी साथ में ही है। सर अभी हमारे आपसे दो रिक्वेस्ट है, दो रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है सभी डिपार्टमेंट कोविड के काम में बिजी, क्वारंटाइन में बिजी है, कोविड के पेशेंट में बिजी है, लेकिन बारिश सर पे होने के कारण अगर आप इस काम में और तेज़ी लाएंगे तो हम पहले से ही नालों की सफाई करके मुक्त हो चुके रहेंगे, और शहर में हमारे बारिश के जो समान मतलब बारिश आने के बाद कुछ दुर्घटना ना हो उससे हम पहले ही तैयारी कर लेंगे। ये बात सर आपको एक रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग सब आए, और जितने भी नाले आप उस पर हमारे सबकी एक मांगनी है कि एक बार 8 दिन बाद और आए, सभी डिपार्टमेंट में ऐसे जितने भी 8 दिन बाद और आए, और प्रभाग वाइज दो नाले पे, मतलब प्रभाग वाइज जफर भाई का इधर आए तो दो नाला, मेरे पैनल में तो दो, जो बड़े नाले जिससे पानी पूरे वार्ड में हमारे भरता है उसको अगर एक बार आप राउंड मार लेंगे तो 5 पैनल है, तो 5 मतलब 10 नाले पे आपको सर्वे करना, उससे ये होगा कि हमारी तैयारी प्रिपेयर पहले से हो गई। अभी तो काम अच्छा चल रहा है तो वो पहले से हो जाए। सर एक और है, जो नाले अधूरे बन करके पड़े हुए, खासकर मेरा वार्ड, हाँ। जो वार्ड इस तरफ है जैसे कहते शरीफा रोड में बन करके आधा पड़ा हुआ है, फिर आधा इधर, ये बात सारे पानी सारे पानी मेरे वार्ड में ही आने वाले हैं, तो वो सर वो नाले का क्या करेंगे जो ज्वाइन नहीं हुआ है, और इतना प्रॉब्लम, मेरा वार्ड तो डूबने ही वाला है, मेरा वार्ड साहब नहीं तो 100% डूबने वाला है, पानी जाएगा रास्ता। और एक और बात, अमृत नगर दरगाह रोड का नाले का पर्दी नहीं बनाए। तो आपने सुना, नगर सेवक ने जानकारी दी, उसके साथ ही साथ टीएमसी के सभी अधिकारियों की सराहना की। इस महामारी के बीच जिस तरह से टीएमसी के अधिकारी अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सामान्य तौर पर हर साल अप्रैल माह के पहले सप्ताह में नालों की साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है, और आज मुमरा कौसा में नालों की साफ सफाई शुरू हो गई है और 54 कलवर्ड हैं जो उस पर भी काम शुरू हो गया है। ऐसे तो हर रोज मनीष जोशी का मुमरा में दौरा होता है, लेकिन आज खासकर अप्रैल से शुरू होने वाले बारिश को देखते हुए नाले की सफाई के लिए दौरा किया, जायजा लिया। इस बार अभिषेक अक्षक, ये दो नाम है, ये दोनों कॉन्ट्रेक्टर हैं मुमरा कौसा के, और 1,30,00,000 पास हुआ है मुमरा शहर के साफ सफाई, और 54 कलवर्ट पर काम करना आज से शुरू हो गया है। फिलहाल
शुरू कर दिए हैं। इस पूरे मामले में डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी धनंजय गोसावी ने क्या कुछ कहा है। पूरे मुमरा में कई दिनों से दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज जो दौरा किए नालियों को लेकर जो है, और उसमें मतलब कब तक ये साफ सफाई होगी नाले की, और क्या बजट है और कब तक शुरू होगा ये सब काम? देखिए, आज हमारी मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्ष मैडम और हमारे नगर सेवक शानू भाई, राजू और जफर भाई उनके साथ, हाँ उसके साथ हमने आज नाले सफाई का राउंड लिया। सबसे पहले ये बात है कि आपको पता होगा कि हमारे इधर 39 नाले हैं, तो 30 नालों की साफ सफाई शुरू हो गई है। 54 कलवर्ट्स है, तो 34 कलवर्ट्स की काम शुरू हो गया। जो नगर सेवक आ रखे थे उन्होंने सेटिस्फैक्शन व्यक्त किया है। नाले सफाई कैसे चल रही है, कितने ठेकेदार अपॉइंट हुए, कब तक हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन गोसावी से आप दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सर, नालों को लेकर कितने ठेकेदार सामने आ रहे हैं, कितने लोगों को आप अपॉइंट किए हैं, और क्या बजट है इसकी पूरी, वो आप बताएं। टोटल मुमरा में अभिषेक और अक्षर ये दो कंपनी को काम मिला है, और उनके तरफ से अपना 8 तारीख से काम नाले सफाई का चालू हो गया, और टोटल 39 नाले में से 30 नाले का काम भी चालू हो गया, अब कलोट का भी काम चालू हो गया, और टोटल इसका बजट है 1,30,00,000 रुपये का। टोटल नाला कलवट 54 कलोट और बाईपास के 27 कलोट ये सब मिला के। गोसावी साहब, पिछली बार ऐसा हुआ कि जो है बारिश के मौसम में जो आप लोगों ने टेंडर निकालते हैं कुछ ऐसे लोगों को देते हैं, जो वो लोग जो है ठीक तरह से साफ सफाई नहीं कर पाते, इस बार जो आपने जिनको दिया है उनके पीछे किस तरह से आप लोग देखभाल करेंगे? हर साल नाले की सफाई अच्छी होती है, मगर वो डिपेंड अपन बारिश के ऊपर होता है। जब बारिश 1 आवर में 55 mm के आगे ज़्यादा हो जाएगी, तो अपना नाले की कैपेसिटी जो है 55 per hour कैरिंग कैपेसिटी अपनी नाले की है, मगर उससे ज़्यादा बारिश गिरेगी तो वो नारा ओवरफ्लो हो जाता है, और बारिश और कम टाइम में ज़्यादा बारिश गिर गई, ऐसा 4 अगस्त में हो गया था और 5 अगस्त में हो गया था। तब क्या हो गया था कि बारिश कम पीरियड में ज़्यादा गिर गई थी, 149 mm गिर गई थी, तब वो पानी भर गया था। वो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से काम हमने करके लिया था, मगर सडनली पत्थर आ गए, कई नाले में झाड़ भी आ गए, उसके वजह से वो नाला चौकअप हो गया, और उसकी वजह से थोड़ा वाटर लॉगिंग अपने एरिया में हो गया। जैसा कि आपको पता है, हर साल बारिश के मौसम में शुरुआती अप्रैल महीने तक गटर नालों की साफ सफाई ठाणे मनपा की तरफ से किया जाता है, लेकिन बारिश के शुरुआत होने से पहले चाहे वो BMC हो या TMC, पहले से धोखादायक इमारतों को लेकर भी सतर्क हो जाती है, इस विषय पर गंभीर हो जाती है। अब ठीक उसी तरह से ठाणे मनपा भी सतर्क हो गई है। बारिश के समय ऐसे कई मामले सामने पिछले साल आए थे, और इस बार बारिश में किसी तरह की समस्या सामने ना आए उसके लिए चेतावनी दी है, सुनिए। सर, जिस तरह से देखा गया है कि बारिश के मौसम में धोखादायक इमारतों को लेकर जो है उसमें उसको लेकर आप लोग कितना मतलब आगे आ रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा हो रखा है, इस COVID-19 की वजह से सारा फोकस उसी बीमारी पर हो रखा है, लेकिन आपको पता होगा कि सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे मुमरा को लगी है वो धोखादायक इमारत की लगी। आज कैसा लोगों का ध्यान हट चुका है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे वापस मुमरा के सभी लोगों को अपील करना है कि आपकी बिल्डिंग्स जो धोखादायक घोषित हो रखी हैं, और अगर आपकी बिल्डिंग कैटेगरी जिस कैटेगरी में उसके हिसाब से जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप फॉलो कीजिए। अगर आपकी बिल्डिंग में अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं धोखादायक बिल्डिंग होने के, जैसे कि आपको पता है अगर कोई बिल्डिंग धोखादायक हो रही है तो सबसे पहले उसकी जो खिड़कियां होती हैं वो क्रैक हो जाती हैं, या जो दरवाज़ा है या खिड़कियां हैं वो बंद होने में तकलीफ होने लग जाती है। अगर आपकी बिल्डिंग नाले के बाजू में है तो वो नाला धीरे धीरे आपकी बिल्डिंग की जो जड़ें हैं, आपकी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है उसे खाने लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब पूरा प्रशासन तो COVID-19 में लगा हुआ है, लेकिन मुझे आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप खुद अपनी बिल्डिंग का खुद आप एक जायज़ा लें, खुद आप बिल्डिंग को देखें, और अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो त्वरित मुमरा प्रभाग समिति, हमारे सहायक आयुक्त, तो हमारे डिप्टी सिटी इंजीनियर गोसावी साहब, इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी हालत में हमारे मुमरा प्रभाग समिति एरिया में धोखादायक इमारत गिरने से कोई भी लॉस ऑफ लाइफ होना नहीं चाहिए, ऐसे प्रशासन का ध्येय है। कोरोना महामारी के बीच एक तरफ लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं,
दूसरी तरफ कोरोना के खौफ में जी रहे हैं और तीसरी तरफ बीवी बच्चों से दूर हैं। और ऐसे हालात में मुमरा शहर में तरह तरह की समस्या सामने आ रही हैं। पहले तो आपने सुना होगा मुमरा शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए थे कोरोना के खौफ में, और फिर धीरे धीरे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल खुले भी हैं, खोले गए हैं। तो ऐसे डॉक्टर नॉर्मल पेशेंट को और ऐसे में डॉक्टर नॉर्मल पेशेंट को या फिर प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे हैं और सबसे पहले कोरोना टेस्ट करने को कह रहे हैं। पेशेंट को ये कहकर कोरोना टेस्ट करके लाओ, फिर हम जो है एडमिट करेंगे, इस तरह की बातें बताकर उन्हें वापस घर भेज देते हैं। इसी तरह की खबरें कई बार सामने आई, जिसको लेकर मुमरा के नगर सेवक शानू पठान, मुमरा प्रभाग समिति के अध्यक्ष असरीन राउत ने डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है कोरोना टेस्ट मुमरा में किया जाए, किया जाना चाहिए, जिसकी मांग की है। खाली प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में तो नहीं है, इनफैक्ट मेनी ऑफ द डिजीजेस के लिए पहले कोविड 19 टेस्ट होना अभी सब हॉस्पिटल्स इंसिस्ट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से और आपके सब स्थानिक नगर सेवक उनके माध्यम से ये डिमांड प्रशासन की तरफ आ रखी है, तो कैसे हम मदद कर सकते हैं या कुछ पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशन TMC दे सकता है, बाकी कंट्रीब्यूशन वो पेशेंट देगा, या हम कोई NGO की तरफ से ये कर सकते हैं, तो इस पे प्रशासन सीरियसली विचार कर रहा है। और हमारी जो ऐसे महिलाएं हैं उन्हें कैसे हम मदद कर सके, ये जल्दी से जल्दी हम एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो अब आपके सामने दो पहलू है, एक तो कोरोना का खौफ और दूसरी तरफ डेंजर इमारत, धोखादायक इमारत में रहने वाले लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।